Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, welcome to my YouTube channel. You are learning English with B.M. Sharma. Guys, we are reading RBSE class 12 compulsory English rainbows lesson number 7, Indigo part 2. साथियों, आज हम लेसन को शुरू करेंगे गांधी चाइल्डहुड इधर से शुरू करेंगे. सभी लोग ध्यान से देखें. नील की खेती होती थी चंपारण बिहार में, तो वहाँ शुक्ला जी गांधी जी को ले जाने आए थे कि कुछ आंदोलन वगैरह करेंगे और किसानों की मदद करेंगे. गांधी जी वहाँ पर गए, वहाँ देखा तो बुरी व्यवस्था बनी हुई थी, वकील भी खाने दौड़ते थे किसानों को. तो शुरू करते हैं हम. गांधी चाइडेड द लॉयर्स. गांधी जी ने वकीलों को डांट लगाई थी, फटकारा था. फॉर कलेक्टिंग बिग फी, बहुत बड़ी फीस इकट्ठी करने के लिए. फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदार या साझेदार किसानों से बहुत बड़ी फीस लेते थे वकील. इसके लिए गांधी जी ने उनको डांट लगाई. ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें कानून के जो न्यायालय हैं उनमें जाना बंद कर देना चाहिए. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, इस तरह के मामलों को कोर्ट ले जाना डज लिटिल गुड, उससे तो ना के बराबर ही अच्छा कुछ लाभ होता है. वेयर द पीजेंस आर सो क्रस्ड, जहाँ किसानों को कुचल दिया जाता है, उनसे ले पैसे, वकील से बहुत सारी फीस लेते हैं, किसानों को कुचला जाता है, उनको दबाया जाता है. फियर स्ट्रिकन, किसान बस भय से ग्रस्त हो जाते हैं. लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कानून के जो कोर्ट हैं वो निरर्थक हैं. द रियल बिलीफ फॉर देम, उनमें वास्तव में विश्वास जो है, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, सॉरी रियल रिलीफ फॉर देम, उनके लिए जो वास्तविक राहत हम दे सकते हैं वो है फ्री फ्रॉम फियर, उनको डर से मुक्त कर दिया जाए किसानों को. मोस्ट ऑफ द अरेवल लैंड इन द चंपारण में जितनी भी अरेवल जो लैंड है, जोतने योग्य भूमि है चंपारण जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स, वो है बड़े बड़े एस्टेट्स कहते हैं कोई मालिकाना हक को या किसी जागीर को, तो बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दिए गए थे वो. ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, जिनके मालिक तो अंग्रेज होते थे और वहाँ अंग्रेजों की जगह पर भारतीय किराएदार उनका काम करते थे, यानी उनको संभालते भारतीय थे. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और मुख्य व्यावसायिक फसल थी इंडिगो, यानी नील की खेती. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जो भूमि मालिक थे, भूमि के स्वामी थे, वो टेनेंट्स यानी किराएदारों को मजबूर करते थे, भूमि जो बटाई पर लेकर करते थे उनको मजबूर करते थे, टू प्लांट ट्री 20th और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो. तो उनकी जो फसल थी उसका 20% या 15% उनको इंडिगो फसल उगानी है, नील की खेती उगानी है, इस चीज के लिए वो बाध्य करते थे. सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी की पूरी नील की जो खेती है उसे हार्वेस्ट का मतलब जो फसल है उसे किराए के रूप में, रेंट के रूप में उनके लिए दे दिया जाए. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यह बात बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट या जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक आपस में समझौता, उस लंबे समझौते के तहत ऐसा किया जाता था. प्रेजेंटली और हाल ही में द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट, जो भूमि मालिक समझ गए थे, दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी देश ने एक संश्लेषित इंडिगो या नील तैयार कर ली है, कृत्रिम नील तैयार कर ली है जर्मनी ने, तो यह नील की खेती करने की आवश्यकता नहीं है. देयर अपॉन ऑब्टेंड एग्रीमेंट्स, देयर अपॉन यानी वे इसीलिए ऑब्टेंड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स,
उन्होंने बटाईदारों से एग्रीमेंट किया, अनुबंध किया फिर से, टू पे देम कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति देने का, फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। 15% की जो व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी कि 15% हिस्सा हमारा होगा, उस 15% की जो व्यवस्था थी वहां से एक क्षतिपूर्ति अगर उनको दे दी जाए साहूकारों किसानों के द्वारा, तो उनको वो मुक्त कर देंगे नील की खेती से, आप मत करो। वास्तविकता तो ये थी कि अंग्रेजों को नील की आवश्यकता अब नहीं पड़ने वाली, संस्कृत नील आ गई है। यहाँ किसानों को मूर्ख बनाया जा रहा था कि भाई आप नील की खेती करते रहो, अंग्रेजों को आवश्यकता है, लेकिन इससे आप मुक्त होना चाहते हो तो 15% इसका हमारे लिए दो फसल का। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, बटाईदारी की जो व्यवस्था थी, वॉज इक्षम टू द पीजेंट्स, वह किसानों के लिए इक्षम यानी कष्टपूर्ण थी, दुखदायी थी। एंड मैनी शाइन विलिंगली, और बहुत सारे लोगों ने अपनी विलिंगली इच्छा से ही शाइन हस्ताक्षर कर दिए थे। दोज हु रेसिस्टेड, जिन लोगों ने विरोध किया, इंगेज लॉयर्स, उनको वकीलों से संबंध बनाना पड़ा, यानी वकीलों के पास उनको जाना पड़ा। वकील के पास जाने का मतलब है पैसा दे दे के बर्बाद हो जाना, ये था उस समय वकीलों के पास जाने का मतलब। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, भूमि के मालिकों ने ठगों को हायर कर रखा था अपने लिए, किराए पर रख रखा था कि मूर्ख बनाओ उनको। मीनवाइल, उसी दौरान, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, उसी समय अशिक्षित किसानों के पास में उस संश्लेषित नील की खबर पहुंच गई कि नील तो अंग्रेज बनाने लग गए, उनको आवश्यकता ही नहीं है, और हमारी खेती छोड़ने के लिए हमसे टैक्स ले रहे हैं उसी लिए। तो इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, दे वॉन्टेड देयर मनी बैक, वो अपना पैसा वापस चाहते थे एट दिस पॉइंट। और इसी बिंदु पर गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में पहुंचे। ही बिगेन, उन्होंने प्रारंभ किया, बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, तथ्य प्राप्त करने की कोशिश करते हुए गांधी जी ने प्रारंभ किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वह सेक्रेटरी या सचिव के पास गए जो कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, ब्रिटेन के जो भूमि मालिक थे, यहाँ भूस्वामी थे, उनके संगठन एसोसिएशन था, उनकी संस्था थी, उसके पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सचिव ने उनको बताया, दैट दे कोड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वे बाहर वाले के लिए कोई सूचना नहीं दे सकते हैं। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने जवाब दिया कि वो कोई बाहर वाला नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, गांधी जी को ब्रिटिश जो ऑफिशियल कमिश्नर थे वहां बुलाया गया। ऑफ द तीरहत डिवीजन, तीरहत जो डिवीजन था उसके कमिश्नर थे ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, वहां गांधी जी को बुलाया गया। इन विच, जिसमें कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, इसमें चंपारण जिला पड़ता है, वहां द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स। गांधी ने उनसे कहा, जी कमिश्नर, प्रोसीडेड टू बुली मी, कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी, कमिश्नर ने मुझसे, बुली कहते हैं जोर जबरदस्ती करना, दादागिरी करना, तो मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। एडवाइज मी फोर्थविद टू लीव तीरहत, कमिश्नर ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की और मुझे सलाह दी फोर्थविद कि मैं आगे लीव तिरहत, कि तिरहत नामक स्थान को छोड़ करके मैं यहाँ से चला जाऊं। तो साथियों, आज के लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी लेसन के नेक्स्ट पार्ट में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।